एजुकेटर इंडिया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का वर्गीकरण ध्वनि और उच्चारण स्वरूप के आधार पर करेंगे। इससे आप अधिक स्पष्ट एवं शुद्ध रूप से अक्षरों को बोल सकेंगे। आशा है आप इसको सीख लेंगे। इस पाठ में प्रयोग हुए कुछ शब्दों के अर्थ। ध्वनि स्थान, इसका अर्थ मुंह के उस स्थान से है जिनका प्रयोग ध्वनि का उच्चारण करने में किया जाता है। जैसे कंठे का तात्पर्य गले से, तालव्य का तालु से, मूर्धन्य का मूर्धा अर्थात मध्य मार्ग से जिसमें जीभ किसी अंग से नहीं टकराती, दंतीय में दांतों से, ओष्ठ्य का ओष्ठ से, कंठ तालव्य का कंठ और तालु से, कंठ ओष्ठ का कंठ तथा ओष्ठ से, अनुनासिक या अनुस्वार का नाक से तथा विसर्ग का विसर्जित करने से अर्थात बहाव करने से है। जैसे अह, इसको हम एक ध्वनि का बहाव करते हैं इसीलिए इसे विसर्ग कहा जाता है। ध्वनि स्थान और एक साइड देखेंगे हम स्वर। ध्वनि स्थान होते हैं कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ्य, अनुनासिक और विसर्ग। कंठ्य ए आ, तालव्य ई ई, ओष्ठ्य उ उ, मूर्धन्य रि रि, कंठ तालव्य ए ए, कंठ ओष्ठ्य ओ औ, अनुनासिक अंग, विसर्ग अह। ध्वनि स्थान और व्यंजन। कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य। व्यंजन होते हैं स्पर्श, अनुनासिक, अंतस्थ या अर्धस्वर और ऊष्म। इसमें भी अघोष और सघोष होते हैं और फिर अल्पप्राण और महाप्राण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अल्पप्राण और महाप्राण भी होते हैं। अंतस्थ अल्पप्राण होते हैं, अनुनासिक भी अल्पप्राण होते हैं। अब हम देखेंगे कंठ्य में क, ख, ग, घ, अंग और ऊष्म में ह। तालव्य में च, छ, ज, झ, ये स्पर्श हैं और ञ अनुनासिक। अंतस्थ में य आता है और ऊष्म में श। ऐसे ही मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, क्ष। ऐसे ही दंतीय में त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ्य में प, फ, ब, भ, म और व होते हैं। क अक्षर अघोष है अल्पप्राण में और ख महाप्राण होता है। ऐसे ही ग और घ अल्पप्राण और महाप्राण है। अंग अल्पप्राण और ह सघोष में महाप्राण होता है। आप इस तालिका को स्पष्ट रूप से देख लें, ठीक प्रकार से समझ लें। य अल्पप्राण, श महाप्राण, ट अल्पप्राण, ठ महाप्राण, ड अल्पप्राण और ढ महाप्राण, ण अल्पप्राण, र अल्पप्राण, श महाप्राण, क्ष महाप्राण। दंतीय में त अल्पप्राण, थ महाप्राण, द अल्पप्राण, ध महाप्राण, न अल्पप्राण, ल अल्पप्राण, स महाप्राण। ऐसे ही ओष्ठ्य में प, फ अल्पप्राण महाप्राण, ब, भ अल्पप्राण और महाप्राण है, म अल्पप्राण और व भी अल्पप्राण होते हैं। इस तालिका को आप ठीक प्रकार से याद कर लें और ये जानें कि किस प्रकार से हमें इनका उच्चारण करना है।
कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो कि उन अक्षरों से अलग होते हैं, उनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर दो अक्षरों के मेल से बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्रो। कुछ उत्क्षिप्त अक्षर होते हैं, जैसे कि ण और ळ। कुछ गृहीत भी होते हैं जो हम अन्य भाषाओं से ग्रहण करते हैं, जैसे ज, फ उर्दू के अक्षर हैं और औ ये अंग्रेजी का है। तो धन्यवाद, हमें विश्वास है आपको यह अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत सीख हासिल की होगी। एजुकेटर इंडिया।